नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कुमार है, आपकी वीडियो देख रहे हैं आंची मास चैनल पर। गाइस आज हम बात करेंगे मल्टी आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि गाइस मल्टी आउटपुट इसलिए है क्योंकि गाइस आजकल लैपटॉप में आपको जो मिलती हैं वो एयरफोन जैक मिलती हैं, जिसमें आपको मल्टी आउटपुट होते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट एंड राइट के लिए यूज कर लेते हैं, जैसे इसी को माइक्रोफोन के लिए यूज कर लेते हैं। बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे माइक के द्वारा लैपटॉप में आवाज देनी है और उसका आउटपुट अपने स्पीकर में देना है या किसी और चीज में देना है, और उस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है। तो गाइज उस रीजन की वजह से गाइज ये फाइनली मैंने हैंडमेड बनाया है, और आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी क्योंकि इसका बायदा पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगा मैं, और एक्चुअली मैंने इसे किस काम के लिए यूज किया था वो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। तो गाइज चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं आनंद जी भाषा चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन में ऑल बटन दबाइए सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जो ये डिवाइस है गाइस बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं इस टाइप के डिवाइस, बट यह है कि ये ऑनलाइन मार्केट में नहीं मिल पाते। तो गाइस मैं पहले इसका आपको मेनली मकसद बता दूं, मेरा जो नॉर्मली एक वीडियो कैप्चर डिवाइस खरीदा था मैंने, तो उसमें आउटपुट प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे मालूम नहीं था आउटपुट प्रॉब्लम को कैसे शूट आउट किया जाए। तो गाइस मैं HDMI के द्वारा वीडियो तो शेयर कर पा रहा था डेस्कटॉप में अपने, बट यह है कि मुझे साथ के साथ कहीं ना कहीं ऑडियो भी देनी थी। तो मैं अपने लैपटॉप में इसे कन्वर्ट लगा के, और अभी इसका ट्यूटोरियल भी देखेंगे, मैं पहले बता देता हूँ इसे लैपटॉप में लगा के। तो माइक के लिए गाइज यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप ये माइक्रोफोन वाला माइक भी यूज कर सकते हैं इस पोर्ट में, और नॉर्मल माइक है तो दो जो एक आगे पॉजिटिव और पीछे नेगेटिव होता है तो वो इस वाली पोर्ट में यूज कर सकते हैं। दोनों के कनेक्शन सेम है। और गाइज बात करूँ, इसमें स्पीकर आउटपुट था। अब आती है कि मैं अपनी माइक की आवाज इसमें कैसे लेके आऊंगा। तो गाइज आपने देखा होगा तो गाइज मैं कैसे अपने माइक की आवाज इसमें लेके आऊँ, तो पहले ये वाला ट्यूटोरियल देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे ऑडियो में जाएंगे, ऑडियो में लेफ्ट क्लिक करके ओपन साउंड सेटिंग में जाएंगे। साउंड कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप जैसे कि रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो जैसे कि मेरा माइक कनेक्ट है तो मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा एंड यहाँ पे आ रहा है लिसन टू द डिवाइस की मैं सुन रहे हैं, तो वो इस तरीके से साउंड हो जाती है। और आप ऐसा आप जैसे बोलते भी रहेंगे लैपटॉप में, जो आपकी ऑडियो साउंड है वो भी साथ में, सिस्टम की ऑडियो साउंड जो है वो साथ में वर्क करेगी। तो गाइज आपने देखा कि किस तरीके से आप अपनी माइक की आवाज डायरेक्टली अपने ऑडियो में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइज मुझे क्योंकि गेम खेलता था, मैं गेम की लाइव स्ट्रीम देता था, तो गेम की ऑडियो तो ऑलरेडी सिस्टम ऑडियो में कन्वर्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली की, बट यह है कि मैंने अपनी वॉइस माइक की वॉइस भी सिस्टम ऑडियो में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्टली अब मेरे पास जो आउटपुट निकलता था वो मेरी वॉइस का भी निकलता था, साथ के साथ गेम का भी निकलता था, उसे भी मैं एडजस्ट कर सकता था। तो गाइज एडजस्ट कैसे करते हैं वो भी, जैसे ही गाइज यहाँ पे हम जाएंगे ओपन लेफ्ट क्लिक करके ओपन वॉल्यूम मिक्सर, तो वॉल्यूम मिक्सर में गाइज आपके सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि जैसे कि साउंड सिस्टम, साउंड का मतलब यह है कि जो मेरी माइक की आवाज है उस टाइम हमने अभी जो पीछे सीखा था, तो आप सिस्टम साउंड को थोड़ा सा कम कर दें और गेम का यहाँ पे कोई गेम का लोगो आ जाएगा तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, या लग रहा है कि गेम की आवाज तेज है तो गेम वाले वॉल्यूम को कम कर दीजिए और सिस्टम वाले को बढ़ा दीजिए। तो गाइज इस तरीके से आप इजिली कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कि एक्चुअली किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है वॉल्यूम। तो गाइज इस तरीके से आप कहीं भी अपना ये डिवाइस यूजफुल। तो गाइज इस डिवाइस को बनाना कैसे है तो गाइज जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मेनली जो है हमने एक ये क्रीम का डिब्बा था और इसे साफ कर लिया है फिलहाल, अभी अभी जस्ट नाउ कर रहे हैं। एंड ये गाइस ये है, तो इसे ऑडियो डिवाइस बनाएंगे। और बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हैं फिलहाल, तो जैसे कि पिन है, इस तरीके से ये वर्क करेगा और किस हिसाब से इसे कैसे वर्क करना है गाइस आपको सब इस वीडियो में मालूम चलेगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। इसे छेद करने के लिए हमें कुछ चाहिए होगा जो कि यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से छेद कर पाए हैं, तो अभी थोड़ा सा और होगा। एंड तो जितना होना था हो गया है, तो यहाँ पे डाल के देख लेना है फिट आ रहा है तो ये सही है। तो हम यहाँ पे इसे यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ डालेंगे, जो कि एक तो इसका यहाँ से इसे भी निकाल लेते हैं, ये इस तरीके से अंदर चला जाएगा, ये यहाँ पे इसे सपोर्ट करेगा एंड
ये गाइस यहाँ पे हमने इसे यहाँ पे लगा लिया है, तो अब हम इसे इस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। अब हमारे अंदर कनेक्शन भी हमें मिल गए, लमसम क्लियर हो गए हैं कि हाँ एक तो ये कनेक्शन हो गया। एक मुझे ऊपर से लगाना पड़ेगा जिससे कि मुझे मालूम चल पाए कि एक्सटर्नल ऑडियो लगानी है तो मैं डायरेक्टली लगा सकूँ। तो एक ऊपर से लगाएंगे और ये बीच वाले पोर्शन में ही लगाएंगे। तो भाई ये हमारी हैंडमेड थी एक, तो इसे काट के अब हम चेक कर लेंगे कि हमें सारे इंडिविजुअल कनेक्शन मिल रहे हैं नहीं मिले, क्योंकि ये अच्छी भी है और इसमें मैं मल्टी पर्पज़ तरीके से काम भी कर पाऊँगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये दो वायर ऑलरेडी निकली हुई हैं इसकी, और इसे यहाँ पे इसे इस तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पे छोटे से छिद्दे कर लेंगे एंड ये मेन वायर है इसकी, तो इसके कहाँ कहाँ से इसके ये वाली इसकी माइक्रो वाली माइक की केबल है। तो सबसे पहले न्यूट्रल चेक कर लेंगे, न्यूट्रल कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें। तो गाइस यहाँ पे हमें न्यूट्रल मिल जा रहा है, यहाँ पे भी न्यूट्रल मिलना चाहिए आई थिंक। और ये गाइस ये न्यूट्रल की है, एंड बात करें फेस का जो मिल रहा है, अभी थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो इससे ही थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जो कनेक्शन की बात थी वो कनेक्शन मैं कर सकता हूँ, और ईज़िली अब मैं इसे यहाँ पे चाहूँ तो फेक से चिपका सकता हूँ या ईज़िली। तो लगे हाथ फेक से चिपका देते हैं, जो काम हम फिक्स कर सकते हैं वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए काम में। तो यहाँ पे हम इसे हल्का सा फेक से सेट कर देते हैं। तो ये हमारा ऑडियो आउटपुट रहेगा, यहाँ पे मैं माइक लगा सकता हूँ, कि लैपटॉप के अंदर गाइस ये प्रॉब्लम रहती है कि इसमें मल्टीपर्पज़ एक ही पिन आती है और उसमें ही आपको सारे जुगाड़ करने होते हैं, तो इसलिए मैं ये काम इस तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो सबसे अच्छी बात है, तो यहाँ पे गाइस हमें तीनों वायर मिल जाएंगी। इसे थोड़ा सा चिपका लेंगे पहले कि फैकअप से इसे यहाँ पर ये फिक्स हो जाए और वायर इतनी हो हमारे पास कि हम किसी भी एंगल से यूज़ कर पाएँ हर किसी वायर को। तो यहाँ पे गाइस इतनी वायर सफिशेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमने इस हिसाब से लिया है, तो यहाँ पे हम फेविक डाल के इसे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे सूख गया है और हमारी वायरिंग का काम भी पूरा हो गया है। तो अब एक्चुअली अब क्या करना है हमें, पहले तो गाइस हमारा प्रॉब्लम यह है कि इसके जो पिन है ये टीवी की पिन है, तो इसका जो सारा न्यूट्रल है वो नीचे है, बट हमारी जो एक्चुअल हमें ऑडियो लेनी है तो माइक का प्लस नीचे होता है और बीच वाला मिडल सेक्शन होता है न्यूट्रल जिसे बोलते हैं, और ऊपर प्लस होते हैं ऑडियो आउटपुट के लिए और ये माइक इनपुट के लिए। तो गाइस ये वाला मतलब ये है कि येलो जो है अब न्यूट्रल है सबके लिए, और जो सबके न्यूट्रल हैं वो किसी के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो सबकी वायर को काट लिया जाएगा, और नहीं काटनी है येलो वाला हमारा माइक है तो हम इसलिए रखेंगे, और मैं जो माइक के लिए आउटपुट दूंगा वो सिर्फ एक दूंगा, तो इसे हम इसलिए निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे रख लेते हैं एंड ये तो यहाँ पे हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मेरा साउंड का एक ही रहने वाला है इसलिए मैं एक ही रख रहा हूँ दोनों को। यहाँ हम इनका सब पेस्ट लगाते हैं एंड यहाँ हम शो ड्रिंक करते हैं।
जो गाइस कनेक्शन होने थे वो सिर्फ इस तरीके से होने थे, दो और तीन कनेक्शन ही होने। बट अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे तो इसके कनेक्शन कंप्लीट कर दिए हमने कि ऊपर से हम माइक का दे सकते हैं इजीली। अब हमें आउटपुट जो देना है वो सबसे ज़्यादा टफ काम है पूरे प्रोसेस में, और उसके लिए अभी हम डायरेक्टली कुछ नया नहीं करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारी जो डेस्कटॉप में ऑडियो वो पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पे जो वायर लंबी है ये गाइस एक थर्ड इम्प्रेशन है इसका, तो यहाँ पे हम इसे इस हिसाब से काटते हैं। तो गाइस फाइनली आपने समझा है कि किस तरीके से आपको डिवाइस बनाना है। तो गाइस इसे वैसे कुछ खास कनेक्शन या कोई आईसी या कुछ नहीं, सीधे वायर कनेक्ट किए हैं जो कि गाइस नॉर्मली आपके पास हो इसमें की जैक, तो आप भी इजीली बना सकते हैं, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, यूनिक है और मेरे हर किसी काम में आता है। कि कभी कभी मुझे पार्टी में जाना होता है तो गाइस हर कोई डिमांड होती है यार एक्चुअली कि यार एक्सटर्नल माइक कनेक्ट करना है मुझे और मेरी ऑडियो भी साथ में चलती रहे। तो ये गाइस मल्टीपर्पज डिवाइस है। वैसे तो गाइस मिक्सर में इस तरीके के फंक्शन आते हैं, बट आपको तब आप पैसा खर्च कर नहीं करना बिल्कुल भी और जीरो ग्राउंड लेवल पर वर्क करना है, तो गाइस इस तरीके की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।